या तो गाय का ही पीना, भैंस का ही, मशीन का दूध पियोगे मशीन जैसे हो जाओगे। आपने देखी है ना भैंस मशीन खड़ी हो जाए सड़क पे, सामने से ट्रक आए, इधर से बस आए, इधर से ट्रक आए, कितना भी हॉर्न बजाए हटेगी नहीं, वही खड़ी। क्यों? अकल ही नहीं है हटेगी। और मशीन का बच्चा होता है ना, जब वो जन्म लेता है ना, जमीन पे गिर जाता है, खड़ा नहीं हो सकता, 10-12 दिन ऐसे ही पड़ा रहता, बहुत आलस होता, उठा के रखना पड़ता। और गाय का बच्चा जब पैदा होता है ना, तो आधे घंटे में खड़ा हो जाता और अगले आधे घंटे में कूदेगा और एक घंटे बाद रनिंग करेगा, पकड़ नहीं सकते उसको, इतना फुर्ती और चुस्ती है। कहां से आया ये? गाय के दूध में से। राम जी के पास भी गाय, दशरथ के पास गाय थी, शंकर भगवान के पास गाय का नंदी, दत्त भगवान ने भी गाय पाली। मैंने देखा भारत के सब देवताओं ने गाय पाली है, मशीन सिर्फ यमराज ने पाली है। तो पियो मशीन का दूध और जाओ यमराज के पास।